पंजाब टुडे दे नाल जुड़े हो तुसी ते मैं हाँ चरणजीत सिंह चन्नी। इस वेले दी वड्डी ते अहम अपडेट लैके हाजिर होए हां। वड्डी अपडेट पंजाब दे साबका माल मंत्री ते अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया दे नाल जुड़ी हुई है। बिक्रम मजीठिया अक्सर एक नशे दे केस नूं लैके काफ़ी ज़्यादा चर्चा दा विशा बने हुए ने। इस समय वह पटियाला दी केंद्रीय जेल दे विच बंद ने। उन्हां दे उत्ते NDPS एक्ट दे तहत धारावां लगाईआं गईआं ने ते अज उन्हां दी मोहाली कोर्ट दे विच पेशी होवेगी। अक्सर ही बिक्रम मजीठिया ते इह इल्ज़ाम विरोधियों वालों बड़े जम के लगाए गए। 2022 की चोणों की गल की जाए तद भी खास करके नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के कांग्रेस के सबका प्रधान रहे ने उन्हां वालों तो स्टेजां ते सीधे तौर पर बिक्रम मजीठिया नूं दोषी मन्निया गया सी कि पंजाब दे विच जो चिट्टे की तस्करी की गई है जो सत्ता पिंदी दे नाल फोटोआं वायरल होंदियां सन ते उन्हां ते लैके बिक्रम मजीठिया ते काफ़ी तंज कसे गए सी जिस नूं लैके बिक्रम मजीठिया ते सीनियर अकाली आगू ते अकाली दल वालों सीधे तौर पर यह गल रखी गई सी कि साडे नाल वंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। एक वंडेटा दे तहत बिक्रम मजीठिया दे उत्ते परचा दर्ज किया गया तां जो 2022 की चोणों दे विच अकाली दल नूं ढा लाई जा सके, अकाली दल नूं सत्ता तो दूर रखा जा सके, जिस दे तहत 2022 की चोणों दे विच वी अकाली दल नूं किते ना किते इसका अंजाम भुगतना जरूर पिया। तो बिक्रम मजीठिया अजे तक फिलहाल केंद्रीय जेल पटियाला दे विच बंद ने ते उन्हां दे वल्लों जमानत अर्जी लगाई गई है। हाले तक उन्हां दी जमानत अर्जी ते कोई सुनवाई नहीं हुई। अज जो दस्या जा रहा है कि जो पेशी होवेगी कोर्ट के एक टैलीग्रामिंग के थ्रू होवेगी भाव इंटरनेट की सुविधा के थ्रू होवेगी तो उसके तहत अज वेखना होगा कि कोर्ट वालों उन्होंने आखिर किन्नी कु राहत दी जाती है। अक्सर जदों बिक्रम मजीठिया से परचा दर्ज होंदा NDPX नूं लैके जो पिछली कांग्रेस की सरकार सी साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रहनमाई दे विच उन्हां दे परचा दर्ज होंदा जिसनों लैके पहला उन्होंने वालों सैशन कोर्ट वाल रुख किया जाता। सैशन कोर्ट वालों उन्होंने जमानत नहीं दी जाती जिस तों बाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। हाई कोर्ट वालों भी अक्सर उन्होंने एक अगाऊ जमानत दी जाती है जिस तों बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों भी उन्होंने कितना कितने राहत देंदे अगाऊ जमानत दी जाती है जो चोणों तक ही सीमित रहती है। चोणों तो बाद उन्होंने अदालत के राही पेश होना पिया। पेश होने बाद उन्होंने पटियाला की केंद्रीय जेल के रख्या गया। अक्सर विरोधी धिरों के वालों सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए सन कि बिक्रम मजीठिया सत्ता ते पिंदी दे नाल पंजाब दे विच नशा तस्करी कर रहे हैं और उन्होंने वालों पंजाब दे विच जो चिट्टे दे नाल पंजाब दा घाण किया गया उसनों लैके बिक्रम मजीठिया नूं निशाना बनाया गया सी। अज वेखना होगा कि बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी ते की कुछ चलता है। इस मामले नूं लैके साडे नाल साडे सीनियर जर्नलिस्ट पूजा जुड़ चुके ने, उन्होंने नाल गल करांगे कि पूजा अज बिक्रम मजीठिया की पेशी होनी है मोहाली कोर्ट के किमें दा लग रहा है। कुछ वकीलों वालों कहा जा रहा है इस पक्ष में कि उन्होंने अज जमानत हो सकती है जा अजे टाइम लगेगा इस मामले को लेकर। बिल्कुल देखो चरणजीत, तुहानू सब तो पहले दस दिए कि अज जिहड़ा है राहत वाला इस विच कोई मैटर नहीं है। अज जिहड़ा मैटर है जिहड़ा उहनां दा केस सीगा ओह पहले किसी होर जज दे कोल सीगा ते हुण जिहड़ा है ओह दूजे जज नूं ट्रांसफर कर दिता है। ते फिलहाल जिहड़ा है जद भी कोई केस किसी दूजे जज नूं ट्रांसफर किया जाता है तो सब तो पहले जिहड़ा कागज है ओह तैयार किए जाते हैं ते ओह जिहड़े कागज है तैयार किए जा रहे ने किहड़ी किहड़ी धारावां जोड़ियां गईआं ने। इस तों इलावा उहनां दी जुडिशियल कस्टडी विच किन्ना समां हो गया है जी।
ਸੋ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੇਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਟੇਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।